अमेरिका में इलेक्शन हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारा जो लावा है वो बाहर आकर रिवर के पानी की तरह बहना शुरू हो गया था और बहकर वो आसपास की जितनी भी सिटीज या जहाँ पे भी ह्यूमनली पॉपुलेटेड एरिया था वहाँ पे एंटर होना शुरू हो गया था। बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हुई। क्लियर? तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें से बहुत ज्यादा लावा बाहर आ रहा है, तो बाहर आकर वो रिवर के पानी की तरह क्या करना शुरू करेगा? फ्लो। और रास्ते में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी चीज आएगी उसको क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट करता हुआ चला जाएगा, जैसे अमेरिका में हुआ था। इज इट क्लियर? सो ध्यान रखना। दूसरा, अब अभी मैंने बताया कि इसकी आसपास की सॉइल क्या होती है, फर्टाइल। अब हमने क्या बोला, हम एक्सटेंट किसको मानेंगे जो हजार साल में एक बार भी इरप्ट नहीं हुआ। अब कोई ऐसे विलेजर्स या गांव वाले हैं जिनको इतना टाइम बोल रहे कि हम इतना वेट नहीं करेंगे, कोई डॉर्मेंट है अभी इरप्ट नहीं हो रहा, तो वहां पे वो धीरे धीरे क्या कर, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है तो क्या शुरू कर देंगे, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। तो जब फ्यूचर में वो इरप्ट होगा तो वहां पे क्या होगा, उसका लॉस होगा। क्लियर? तो वॉल्केनिक इरप्शन से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, सिंपल सी भाषा में जान और माल का क्या होता है, नुकसान। दूसरा, अर्थक्वेक। मैंने पहले भी बताया वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे पहले क्या होगा, अर्थक्वेक। तो दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, अर्थक्वेक। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम में कि इनमें से किस जगह जगह पोल्यूशन होगा ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, मीन्स ज्वालामुखी फटने से अलग अलग कौन से टाइप का प्रकार का प्रदूषण या पोल्यूशन होता है। सबसे पहले सॉइल, अब ये ऑर्डर में नहीं है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऐड कर लेना नॉइस पोल्यूशन। जब बहुत ज्यादा उसमें से लावा निकलेगा तो साथ में क्या होगा, ध्वनि या साउंड पोल्यूशन भी। इसको भी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जैसे ये भी बताया था कि 2 साल पहले जब इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो लगातार वहां पे 3 ज्वालामुखी सक्रिय एक्टिव हुए थे,